फॉर फ्री चैनल। हम लोग बात कर रहे थे इकोनॉमिक रिव्यू के चैप्टर नंबर 2 एग्रीकल्चर के बारे में, और हम लोग पेज नंबर 69 तक देख चुके थे। अब इसी चैप्टर के पार्ट नंबर 2 में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एनिमल हस्बेंड्री से। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन से मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, पशुपालन के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में एक लंबा चौड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया है, ये बताया गया है राजस्थान में क्यों इम्पोर्टेंट है। आप सब लोगों को पता है राजस्थान का तकरीबन 60% एरिया, 60% से ज़्यादा एरिया रेगिस्तान के अंतर्गत आता है, जहाँ पर खेती बाड़ी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर जो लोगों के जीवन यापन का, या मैं कहूँ एग्रीकल्चर का जो मुख्य सोर्स है, वो कहीं ना कहीं एनिमल हस्बेंड्री रहता है। यहाँ पे साफ लिखा है मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है कहाँ पर, एरिड और सेमी एरिड एरियाज। एरिड और सेमी एरिड एरियाज पूरा डेजर्ट एरिया होता है, ठीक है, जो 50 सेंटीमीटर रेनफॉल से कम में लाए करता है अरावली के पश्चिम में, मैं कहूँ अरावली के वेस्टर्न पार्ट में। तो वो सभी एरियाज की जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन एग्रीकल्चर, वो कौन सी है, एनिमल हस्बेंड्री। मैं पहले ही आपको चैप्टर के इस लेक्चर में बता चुका था पिछले लेक्चर में कि एग्रीकल्चर के अंदर केवल कृषि या खेतीबाड़ी नहीं आती, उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री जिसे हम पशुपालन कहते हैं, फिशरीज़ और फॉरेस्ट्री को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो हम क्रॉप से आगे बढ़ के अब एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर आ चुके हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में आपको पता है तकरीबन 42% हिस्सेदारी इसकी होती है एग्रीकल्चर में, मैं आपको बता चुका था बात, ठीक है। तो चलिए आगे हम इसके अंदर देखते हैं आगे क्या इसमें जानकारी है। आगे इसमें बस एक लंबी चौड़ी सी बात लिखी गई है, एक ही बात को दो चार बार बोला है इसने इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, तो आप पढ़ लीजिएगा, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बात नहीं लिखी है। ये केवल ये दो बातें जो एरिड और सेमी एरिड एरियाज लिखी हैं, इसको चार पांच बार इसने अलग अलग लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है, आप देख लीजिएगा क्या है। यहाँ पे जो लिखा गया है इसमें, ये बताया गया है कि राजस्थान में किस प्रकार की जो पशुओं की नस्लें हैं वो किस प्रकार की मिलती हैं। तो सबसे पहले यहाँ कैटल के बारे में बात की गई है, गौवंश के बारे में बात की गई है। तो गौवंश के बारे में यहाँ लिखा गया है कि सबसे बेहतरीन प्रकार की ड्रॉट टॉलरेंट मिल्च ब्रीड, मतलब ऐसी दुधारू नस्लें जो कि रेगिस्तानी इलाकों की जो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, जो बड़ी ज़बरदस्त वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जलवायु वहाँ की जो बहुत ज़्यादा बुरी है रेगिस्तान की, उसको आसानी से झेल जाएँ, ऐसी नस्लों की बात की गई है। कौन सी नस्लों की, जो दूध देने वाली होती हैं, ठीक है। देखिए नस्लें तीन प्रकार की होती हैं जनरली कैटल की, एक तो मिल्च ब्रीड्स कहलाती हैं, एक कहलाती हैं डुअल पर्पस ब्रीड्स, मतलब जो दोनों काम कर दें, दोनों काम करने का मतलब जिनसे हम दूध भी ले सकें और जिनसे हम खेती बाड़ी में जिनका इस्तेमाल कर सकें, उनसे मेहनत करवा सकें। बैल बैल वगैरह जो होते हैं उनके, वो अच्छे मजबूत होते हैं जिनसे हम खेती बाड़ी में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं हल वगैरह चलाने के लिए, ठीक है। ये दूसरा प्रकार होता है मिल्च के बाद डुअल पर्पस होता है, और तीसरा होता है ड्राफ्ट ब्रीड्स, जिनको किसी संस्था ने, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने दो अलग अलग नस्लों को मिला के बनाया होता है, वो ड्राफ्ट ब्रीड्स कहलाती हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे तीनों ही प्रकार की नस्लें मिलती हैं, एक तो मिल्च ब्रीड्स हैं, मिल्च ब्रीड्स खासतौर से दुधारू नस्लें हैं जिसमें राठी, गिर, साहिवाल और थारपारकर आती हैं, ठीक है। डुअल पर्पज़ जिनमें दोनों काम लिया जा सकता है, वो कांकरेज और हरियाणा होती हैं, और ड्राफ्ट ब्रीड्स जो हमारी फेमस हैं वो हैं नागौरी और मालवी, ठीक है। इनको याद रख लीजिएगा अगर आप केवल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं तो, अदरवाइज़ जब मैं आप लोगों को राजस्थान की ज्योग्राफी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें भी ये टॉपिक आता है, राजस्थान में पशुपालन और लाइव स्टॉक की बात आती है, ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री वहाँ पे भी हम लोग पढ़ते हैं, तो मैं वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें कवर करा दूँगा और अच्छे से कौन कौन सी नस्लें हैं राजस्थान में और क्या कहाँ कहाँ पाई जाती हैं वो सारा मैं कवर करा दूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में केवल कैटल नहीं है, कैटल के अलावा हमारे पास शीप भी है, कैमल्स भी हैं, गोट भी हैं, सब कुछ है राजस्थान में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जैसे लोगों का सेंसस होता है, जनसंख्या की गणना होती है, वैसे हमारे यहाँ पे भी पशुपालन विभाग भी यहाँ पे गणना करवाता है कि कितने हमारे यहाँ पे पशुपालन कर रहे हैं लोग, ठीक है, कितना हमारे पशुधन है राजस्थान में। तो ये लेटेस्ट जो पशुपालन विभाग ने जो गणना करवाई थी, लाइव स्टॉक सेंसस 2019 का डेटा ही हमारे पास है अभी अवेलेबल, इससे ज़्यादा रिसेंट हुआ ही नहीं है,
होगा तो भी 2022 के पहले डेटा पब्लिश नहीं होने वाला, इसलिए आपको यही वाला पढ़ना है, ये वाले से क्वेश्चन आएगा। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग राजस्थान में जो कुल पशुधन है वो कितना है, 568.01 लाख, मतलब टोटल पॉपुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक राजस्थान में 568.01 लाख, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और पशुधन के अंदर हम पोल्ट्री को इंक्लूड नहीं करते, मुर्गे मुर्गियों को इंक्लूड नहीं करते, वो अलग से उनकी संख्या लिखी जाती है, ये आपको याद नहीं रखनी, कोई नहीं पूछने वाला पोल्ट्री के बारे में, ठीक है। आगे जो हमें इसमें डेटा है वो ये कह रहा है कि जो पूरे इंडिया का परसेंटेज है लाइव स्टॉक का, वो राजस्थान में कितना है, 10.58, मतलब पूरे इंडिया का हम 10.58 पशु हमारे यहाँ पे पालते हैं, हमारे यहाँ के लोग, ठीक है। और जो 10.58 है उसके अंदर अगर हम बात करें गौवंश की, तो गौवंश कितनी है ऑल ओवर इंडिया की, 7.20। अगर मैं बफलों की बात करूँ, भैंस की बात करूँ, तो भैंस 12.47 हैं। अगर मैं बकरियों की बात करूँ, तकरीबन 14% ऑल ओवर इंडिया की बकरियाँ राजस्थान में हैं, ठीक है। अगर मैं भेड़ की बात करूँ तो 10.64 हैं शीप, ठीक है। और आपको पता है कि भाई रेगिस्तान मैक्सिमम राजस्थान में है, इस वजह से कैमल भी कहाँ पाए जाएंगे, सबसे ज़्यादा तकरीबन 100% के पास कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं 98.43, बाकी कुछ हरियाणा में और कुछ गुजरात में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आगे अगर मैं एक और डेटा दे रखा है इसमें, इसमें बता रखा है कि कितना परसेंट मिल्क ऑल ओवर इंडिया का राजस्थान से प्रोड्यूस होता है, तो 12.72% मिल्क पूरे राजस्थान में प्रोड्यूस होता है पूरे इंडिया का, ठीक है। वूल वगैरह का याद नहीं रखना, ये कोई नहीं पूछने वाला, कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम्स में डेटा पूछ लेता है भाई कितना परसेंट मिल्क हम प्रोड्यूस करते हैं। इसमें आपको जो मेन डेटा याद रखने का है वो देखिए ये है 10.58, ये तो कई बार पूछे जाते हैं इस तरह के डेटा कि ऑल ओवर इंडिया का कितना परसेंट पशुधन इंडिया में, सॉरी राजस्थान में है, राजस्थान में लोग पशु पालते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये 568.08 लाख ये भी याद रखना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। अभी इसमें ये नहीं गिवन है कि भाई हमारा पिछली बार से बढ़ा है या घटा है, ये नहीं बताया गया है, ठीक है। वैसे तो घटा है, मेरे को पता है वो कितना घटा है, भी मेरे को डेटा नहीं पता, ठीक है। लेकिन जब मैं आपको ये जो पूरा टॉपिक है पशुपालन वाला, जब मैं आपको राजस्थान की ज्योग्राफी में कवर जब कराऊंगा, तो आप लोगों को मैं सब कुछ बातें बता दूंगा वहाँ पे, जो रिसेंट डेटा आया है, ठीक है, ये वाले डेटा भी दोबारा रिपीट कर दूंगा। लेकिन जो लोग वो नहीं पढ़ पाएंगे वो केवल ये देख ले, ठीक है, इससे भी काम हो जाएगा उनका। आगे हम देखते हैं, हाँ यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि भाई राजस्थान में कितने वेटनरी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये देखिए बहुत अलग अलग प्रकार के हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, सब कुछ हैं। आप इतना मत ध्यान रखिए, इसे मेजर चीज़ देखिए हॉस्पिटल्स होती है, ठीक है, डिस्पेंसरी वगैरह एक छोटी चीज़ होती है, हॉस्पिटल सबसे बड़ी होती है। तो फर्स्ट ग्रेड हॉस्पिटल 786 हैं, याद रह जाएगा नंबर, बहुत फेमस नंबर होता है 786 फर्स्ट ग्रेड हॉस्पिटल्स। और जो वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं 1709 हैं, ये ध्यान रख लीजिए, क्या पता पूछ ले आप लोगों से, ठीक है, 786 और 1709 वेटनरी हॉस्पिटल्स और फर्स्ट ग्रेड वेटनरी हॉस्पिटल्स। आगे अगर मैं बात करूँ, तो कुछ स्कीम्स चल रही हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की, पशुपालन विभाग की कुछ स्कीम्स चल रही हैं, कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इनकी तरफ से, तो बहुत सारे तो आप लोगों के काम के नहीं है क्योंकि उनमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। फिर भी कुछ एक हैं, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे एक राजस्थान में स्कीम चल रही है पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना। आप लोगों को पता होगा हमारे यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर, अगर मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फ्री इलाज होता है, फ्री में दवा मिलती है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, पशुधन के लिए भी योजना चलाई है जहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट होगा, फ्री ही मेडिसिन मिलेगी जो वहाँ अवेलेबल होगी। तो वो किस योजना के अंतर्गत मिलती है, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, ध्यान रखना, पशुधन से संबंधित फ्री ट्रीटमेंट की जो योजना है, जैसे मनुष्य की चलती है राजस्थान में, कौन सी है, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली योजना की देखते हैं हम लोग, ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन वो कहाँ चल रहे हैं कुछ नहीं बताया, इसलिए मैंने नहीं लिखा। एक देखिए यहाँ पे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन चल रहा है, मतलब ये केंद्रीय स्तर से चल रहा है, केंद्र की योजना है जिसका फंडिंग पैटर्न फिर से देखिए वो 60-40 का है, मैंने बताया था आपको फंडिंग पैटर्न, आपको जितने मिलने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड स्कीम के वो कितने मिलने वाले हैं, 60-40, ठीक है।
तो फिर से 60-40 आया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम लोग नस्लों का सुधार कर रहे हैं, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। बात सुनिए ध्यान से, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं हम लोग। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है हम लैब में इनकी जो नस्ल होती है उनको सुधारने के लिए इनके एम्ब्रियोज वगैरह पे काम करते हैं, ठीक है। या हम ज़्यादा बेहतर से बेहतर जो जिनकी जीन्स होते हैं जिन जानवरों के, उनके आपस में मेटिंग करवाते हैं और ज़्यादा अच्छा जानवर उनसे प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। तो ये हम काम कर रहे हैं किसके अंतर्गत, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंदर अंतर्गत हम लोग ये काम कर रहे हैं। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन लिखा हुआ है हिंदी के अंदर, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, नस्ल सुधार का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये GIGS स्कीम नाम से भी चलती है, लेकिन हम किन जानवरों की नस्ल सुधार रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, गोट और शीप की। इसमें कहीं कैटल ने लिखा हुआ, इसमें कहीं बफलो ने लिखा हुआ, कहीं कैमल ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत जेनेटिक इम्प्रूवमेंट का काम किया जा रहा है वो किसका किया जा रहा है, गोट और शीप का, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग कैंप्स हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं ताकि वो किस तरीके से अपने जो पशु हैं उनकी नस्लों को सुधार सकें, ठीक है। अभी ये कुछ जगहों पे ही चल रही है जहाँ पे ख़ासतौर से गोट्स और आपकी ये जो भेड़ है वो पाई जाती है, ये देखिए कुछ जगहों पे चल रही है। आपको याद नहीं रखना क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस ये ध्यान रखना है गोट और शीप के लिए चल रही है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, ठीक है। और भी बहुत सारे काम चल रहे हैं नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत, देखिए यहाँ पे भी नेशनल लाइव स्टॉक मिशन आया है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए IPPP इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट चल रहा है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं लेकिन जो मुख्य काम है राजस्थान में हो रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा था, ठीक है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं लेकिन नस्ल सुधार का केवल गोट और शीप का हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान में भाई एक डिपार्टमेंट है जो ये सारे काम देखता है जिसका नाम है गोपालन विभाग, ठीक है। क्या नाम है उसका, गोपालन विभाग, गोपालन डिपार्टमेंट। और इसका जो मुख्य काम है, मुख्य काम क्या है गोपालन विभाग का, इज टू एक्ट फॉर प्रपोगेशन। प्रपोगेशन का मतलब होता है भाई प्रसार, मतलब बढ़ाना, ठीक है, नस्लों को बढ़ाना और कंजर्व करना उनका, कंजर्व मतलब संरक्षण, कि वो बनी रहें, वो समाप्त नहीं हो जाएं हम लोगों के बीच से, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट मतलब विकास किसका, खास तौर से नेटिव ब्रीड्स। नेटिव ब्रीड्स का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसी मवेशी जो हमारे राज्य में ही पाए जाते हैं, ठीक है। नेटिव का मतलब होता है किसी जगह, पर्टिकुलर जगह पे पाए जाने वाले नस्लों को नेटिव कहा जाता है, ठीक है। तो कैसी नस्लों की बात कर रहे हैं हम लोग, जो नेटिव हैं, खास तौर से उनके प्रसार की बात करता है, ठीक है, उनके संरक्षण की बात करता है और उनके विकास की बात करता है। कौन करता है, हमारा गोपालन विभाग, ठीक है। और गोपालन विभाग खास तौर से किससे संबंधित है भाई, गौवंश से संबंधित है, ठीक है। तो गौवंश, ऐसा गौवंश जो राजस्थान में ही पाया जाता है, उनके संरक्षण की, उनके विकास की और उनके प्रसार की बात करता है, ठीक है, मतलब इसके लिए काम करता है। तो इसके अंतर्गत चलिए आगे बात करते हैं। गोपालन विभाग की बात कर रहा था, इसकी मैं छोटी सी आपको इंट्रोडक्शन दे चुका था इसके बारे में। अब देखते हैं इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं भाई, खासतौर से डेटा बहुत सारे हैं लेकिन ये डेटा हमें याद नहीं रखने हैं, ठीक है। और किस प्रकार की छोटी छोटी स्कीम्स चल रही हैं उनके बारे में इतना दिमाग नहीं लगाना क्योंकि इनमें से कोई नहीं पूछने वाला आपसे, ठीक है। अब हमें जो आगे बात करनी है इसके अंतर्गत, जी देखिए ध्यान से, कंजर्वेशन और प्रोपोगेशन मतलब संरक्षण और जो हमें प्रसार करना है, ठीक है, उसके लिए हम लोग ध्यान से देखिए, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन एक प्रकार से आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से, आप इंजेक्शन ही समझ लें, इंजेक्शन के माध्यम से हम जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो को लैब में डेवलप करते हैं। एम्ब्रियो मतलब आप समझ लें जो बच्चा होता है, ठीक है, भ्रूण जिसे बोलते हैं, भ्रूण, उसको लैब में डेवलप किया जाता है और फिर उसे काऊ में इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इसे इन वीवो फर्टिलाइजेशन या मैं कहूँ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो वो हम किन काउज के ऊपर कर रहे हैं, गौपालन विभाग किन के ऊपर कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा थार पार्कर और गिर के ऊपर, ये करंट की बात है। तो
तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि भाई जो इन वीवो फर्टिलाइजेशन है राजस्थान में, वो किस नस्ल के ऊपर अपनाया जा रहा है? भ्रूण हस्तांतरण तकनीक कहलाती है भाई ये हिंदी के अंदर, भ्रूण हस्तांतरण तकनीक। तो मैं बात कर रहा था भाई भ्रूण हस्तांतरण तकनीक का, ठीक है, किन किन नस्लों पे अपनाई जा रही है, थारपारकर और गिर के ऊपर, ताकि उनकी नस्लों का सुधार किया जा सके और उन्हें कंजर्व किया जा सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है राजस्थान में भ्रूण हस्तांतरण तकनीक का, वो किस योजना के अंतर्गत अपनाया जा रहा है? RKVY स्कीम, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यहाँ लिखा हुआ है। इस योजना के अंतर्गत ही हम ये काम कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कृषि विकास योजना में हम पशुपालन की कहाँ से बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, कृषि या एग्रीकल्चर, उसके अंदर केवल खेती बाड़ी नहीं आती, क्रॉप्स नहीं आती केवल, ठीक है, फूड ग्रेन्स की बात नहीं होती वहाँ पे भाई, हम लाइव स्टॉक की, पशुधन की भी बात करते हैं, फिशरीज़ की भी बात करते हैं, और साथ ही साथ हम वहाँ पे फॉरेस्ट्री की भी बात करते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, ये सबको आपस अपने अंदर समेटे हुए है, ठीक है, पशुधन भी इसी के अंतर्गत आता है। इस वजह से ध्यान रखिएगा ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है राजस्थान में, ये इसी स्कीम के अंतर्गत चलाया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, डेयरी डेवलपमेंट, डेयरी विकास की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में जो डेयरी का सिस्टम है, वो दरअसल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से चलाया जा रहा है, सरकार इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, पूरा अपना हस्तक्षेप नहीं करती, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ सहकारी समितियों को कहते हैं, सहकारी समितियों का मतलब होता है जो लोगों से मिलके बनती है, ठीक है, सहकार के माध्यम से चलती है, जहाँ पे कोई कोई व्यक्ति एक मालिक नहीं होता, सभी आपस में मालिक होते हैं। अगर कोई मुनाफा होता है तो सभी आपस में बांटते हैं, नुकसान होता है तो सभी आपस में नुकसान बांटते हैं, उस चीज़ को कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, यहाँ पे पारदर्शिता होती है, हमेशा रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे चुनाव वगैरह होते हैं, ताकि उन्हीं लोगों में से किसी को चुना जा सके जो उसको रन करे, लोगों की सहायता से, उन्हीं लोगों की सहायता से, उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल चीज़ है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और जो डेयरी डेवलपमेंट है खासतौर से डेयरी के फील्ड में, तो कोऑपरेटिव ही ज़्यादा बेटर है, और ये सबसे पहले दिखाया था पूरे इंडिया को अमूल ने, ठीक है, अमूल भी अपने आप में कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है और कुछ नहीं है, ठीक है, जो गुजरात में है अमूल, ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम लोगों ने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू की। पहले ये सारा जिम्मा डेयरी का राजस्थान गवर्नमेंट संभाला करती थी, लेकिन आप समझ सकते हैं सरकारी व्यक्ति काम कम करते हैं, ठीक है, और घाटा हो जाता है तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें अपनी सैलरी मिलती रहती है। इस वजह से गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास अब ट्रांसफ़र कर दी हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं डेयरी के अंतर्गत, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कितनी हैं राजस्थान में, तो वो कितनी है भाई, 15,318 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं राजस्थान में। ये आप संख्या याद रख लेना, कभी कभी देखिए पूछ लेता है, छोटे मोटे एग्जाम्स में तो पूछ लेता है, RS में पूछना वैसे बहुत मुश्किल है। RS में तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कितने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने कितने मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन बना रखे हैं ऑल ओवर राजस्थान, राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव यूनियन बना रखे हैं हमने, जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ कितने हैं राजस्थान में, ये पूछ सकता है। तो वो 21 हैं, आप 33 मत कर देना कि भाई 33 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 33 ही हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन होंगे, ठीक है, जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ हमारे यहाँ 33 होंगे, नहीं 21 हैं, ठीक है, 21 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हमने तकरीबन तकरीबन जैसे कोटा की अलग यहाँ पे यूनियन है, कोटा में अलग तरीके से काम चलता है, बीकानेर में अलग चलता है, ठीक है, जयपुर में अलग चलता है, उन सबके आगे लिखा रहता है कि भाई ये इस ज़िले से संबंधित है, और जो कुछ बड़े ज़िले हैं तो पास वाले ज़िले का भी उन्हीं में इंक्लूडेड हो जाता है कई बार, ठीक है, इसीलिए तो 21 हैं। चलिए आगे बात करते हैं, जो सबसे बड़ी संस्था है जो इस पूरे प्रोग्राम को संभालती है राजस्थान में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के प्रोग्राम को, उसका नाम है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ये शीर्ष संस्था है, मैं कहूँ एपिक्स बॉडी है, ठीक है, सबसे बड़ी संस्था जो पूरे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के काम झाम को संभालती है डेयरी से संबंधित, ठीक है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किसी भी फील्ड में आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मैं डेयरी की बात कर रहा हूँ अभी, तो डेयरी की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कौन संभालता है, सबसे उच्च संस्था कौन सी है राजस्थान में, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF, ठीक है, जयपुर में ही इसका कार्यालय, ठीक है, लिखा हुआ भी आगे जयपुर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये भी अपनी तरफ से भाई देखिए काम क्या करती है मेजरली, आपको जैसे पता है RCDF का काम, इसका खुद का ब्रांड जो है, सबसे बड़ा ब्रांड है RCDF का, वो है सरस। अब सरस नाम जैसे ही आपके दिमाग में आया होगा, आपको पता चल चुका होगा सरस का काम क्या है। मेजरली आप सोचते होंगे दूध का उत्पादन करके उसको बेचना, ये तो काम है ही। जो RCDF है, या मैं कहूँ हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनका काम केवल दूध कलेक्ट करके बेचना नहीं होता, इसके और भी काम है RCDF के। ये क्या करती है भाई, जो चारा होता है, अच्छा अच्छी क्वालिटी का चारा, वो भी बांटती है, ठीक है, दुग्ध उत्पादकों को। और साथ ही साथ जब दूध का कलेक्शन किया जाता है, तो दूध को कलेक्ट करने के लिए बड़े बड़े फ्रीज़र्स का भी निर्माण करती है, ठीक है, इसने सेंटर्स बना रखे हैं, कलेक्शन सेंटर्स, उनको भी ऑपरेट करती है RCDF। इसके अलावा जो जो दुग्ध उत्पादक लोग, भाई लोग हैं, अगर उनको दुर्घटना वगैरह में उनको चोट लग जाती है या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके लिए भी भाई जो RCDF है वो अपनी तरफ से कुछ योजना चलाती है और उस योजना का लाभ उन तक पहुंचाती है। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है कि भाई RCDF क्या काम करती है, न्यूट्रिशियस कैटल फीड भी प्रोवाइड करती है। न्यूट्रिशियस कैटल फीड को अगर हिंदी में बोलूँ तो भाई पौष्टिक पशु आहार भी उपलब्ध कराती है, तभी तो भाई अच्छा दूध आएगा। इसके अलावा ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनाती है जो दूध के अलावा बन सकते हैं दूध से, जैसे घी हो गया, छाछ हो गया, लस्सी हो गया, श्रीखंड हो गया, ये सब चीज़ें भी बनाता है, सरस ब्रांड के अंतर्गत ही बनाते हैं RCDF वाले, ठीक है, अलग अलग अपनी डेयरीज पे जो डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी, मैंने अभी बताया आपको, इंश्योरेंस स्कीम्स भी चलाते हैं दुग्ध उत्पादकों के लिए, जो इनसे जुड़े हुए लोग होते हैं, जो इनमें दूध सप्लाई करते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। जैसे एक ही स्कीम का नाम है राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना। भाई देखिए ये बहुत पुरानी स्कीम है, लेकिन इसका चौथा जो चरण है, चौथा चरण जो स्टार्ट हुआ है, वो 1 जनवरी 2020 से हुआ है, ठीक है, ये इस गवर्नमेंट ने किया है। वैसे पुरानी स्कीम है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने की संभावना कम है। फिर भी आप लोग याद रख लें कि भाई अगर किसी ऐसे व्यक्ति के दूध का उत्पादन करता है और RCDF में, या मैं कहूँ सरस में सप्लाई करता है, तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए तक उसे मिल जाते हैं, या फिर अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो भी 5 लाख तक मिल जाते हैं, 2.5 लाख रुपए मिलते हैं अगर कोई पार्शल डिसेबिलिटी होती है तो, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये जो बीमा योजना है, ये 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट होके दिसंबर 2020 में समाप्त हो जाएगी, और फिर जब जनवरी 2021 शुरू होगा तब ये 5वां चरण स्टार्ट हो जाएगा चौथे चरण की जगह, ठीक है। तो हर एक साल के लिए ये बीमा योजना चलाई जाती है, ठीक है, RCDF की तरफ से। इसके अलावा एक और योजना है सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना, इतना दिमाग नहीं लगाना, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा जो हमारे अभी इस गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, वो चीफ मिनिस्टर दुग्ध उत्पादक संबल योजना, ये नई योजना है भाई इस गवर्नमेंट की, चलाई हुई है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है, मैंने आपको पहले ही बताया था रीसेंट योजनाओं पर ज़्यादा फोकस होता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, 1 लीटर दूध पे 2 रुपये, 1 लीटर दूध पे 2 रुपये की सब्सिडी मिल्क प्रोड्यूसर्स को, दुग्ध उत्पादकों को दी जा रही है सरकार की तरफ से। किस महीने से किस महीने तक के लिए देंगे भाई, अप्रैल से लेकर नवंबर तक के लिए देंगे, ठीक है, तकरीबन 6 महीने का टाइम होगा, शायद आप देख लें एक बार, काउंट कर लें, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नहीं ये ज़्यादा हो गए, ठीक है, 8 महीने हो गए, ठीक है। तो 8 महीनों तक गवर्नमेंट जो है भाई इसमें सब्सिडी देगी, कितनी देगी, 1 लीटर दूध पे 2 रुपए की सब्सिडी देगी दुग्ध उत्पादकों को, ठीक है, ये नई योजना है चीफ मिनिस्टर दुग्ध उत्पादक संबल योजना, इसलिए ध्यान रख लें आप लोग, ठीक है। कब स्टार्ट हुई, 2020-21 के अंदर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भाई पशुपालन और गौपालन के बाद हम लोग बात करेंगे फिशरीज़ की, ठीक है, मत्स्य पालन की बात करेंगे। देखिए मत्स्य पालन राजस्थान के संदर्भ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वैसे ही देखिए जो लेक्स कहूँ या रिवर्स कहूँ वो काफ़ी कम हैं, ठीक है, लेकिन जितने भी हैं उनमें हम अच्छी क्वांटिटी में फिशरीज़ का उत्पादन करते हैं, या मैं कहूँ मत्स्य पालन काफ़ी हम करते हैं, जितना भी थोड़ा बहुत है हमारे पास उसके अंदर करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं की हमें बात करनी है, ठीक है। अगर बात की जाए कि भाई कितना हमारे पास लाख हेक्टेयर वाटर है, ठीक है, नदियों और कैनाल के रूप में, तो वो 0.87 लाख हेक्टेयर है, जिसकी वजह से राजस्थान की ऑल ओवर इंडिया में 11वीं रैंक है, ये लिखा हुआ है,
ठीक है, वैसे आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि भाई नदियों और कैनाल्स के मामले में जहाँ पे हम मत्स्य पालन कर सकते हैं उसके मामले में कितनी रैंक है राजस्थान की, तो ये वैसे कोई नहीं पूछने वाला, 11वीं रैंक है वैसे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। खास बात जो है वो ये है जो यहाँ बताने की है कि भाई राजस्थान के अंदर फिश प्रोडक्शन जो है, ठीक है, मछलियों का उत्पादन जो है राजस्थान में वो घट रहा है। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जो वर्ड है आपको याद रखना है वो है डिक्रीजिंग, ठीक है, घटना। ध्यान रखना, हमारे यहाँ पे मत्स्य उत्पादन घट रहा है, यहाँ पे डेटा भी गिवन है। ठीक है, फिश प्रोडक्शन जो हुआ 2020-21 के अंदर पिछले साल के मुकाबले कम है। ठीक है, और फिश सीड प्रोडक्शन ये भी हमारे यहाँ पे कम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, संभावना कम है क्योंकि हमारे यहाँ वाटर रिसोर्सेज वैसे ही कम है। ठीक है, तो वैसे भी हमारे यहाँ घट रहा है, क्वेश्चन यही बनेगा अगर बनेगा तो, क्योंकि जनरली सभी चीज़ें बढ़ रही हैं एग्रीकल्चर के अंदर लेकिन ये चीज़ घट रही है, ध्यान रखना। इसके बाद एक जो इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे बताने की, जो हमारे यहाँ मत्स्य पालन विभाग है उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है लाइवलीहुड मॉडल के ऊपर, ज़ीरो या इसे ज़ीरो रेवेन्यू मॉडल भी बोलते हैं। दरअसल क्या कर रहे हैं ये जो हमारा मत्स्य विभाग जो है, पहले क्या किया करता था, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा डैम है, डैम के अंदर मछलियों को पकड़ने के लिए ठेका दिया जाता था और जो ठेके के बदले पैसा आता था वो खुद रख लिया करता था मत्स्य पालन विभाग। ठीक है, ये इस तरीके से काम चला करता था, लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, ये मॉडल बना दिया है ज़ीरो रेवेन्यू मॉडल, मतलब वहाँ से वो लोग जो ठेकेदार लोग होते हैं उनसे पैसा इकट्ठा तो करेंगे लेकिन वो खुद के पास जमा नहीं करेंगे। इसके अलावा वो क्या करने वाले हैं, खुद के पास जमा नहीं करते हुए वो उस इलाके के जो ट्राइबल फिशरमैन हैं उनके बीच में बांटने वाले हैं उस पैसे को, उस ठेके के पैसे को, जब ठेके से पैसा आने वाला है। इसी को नाम दिया उन्होंने लाइवलीहुड मॉडल स्कीम, लाइवलीहुड मॉडल स्कीम नाम दिया है। ठीक है, किसने, मत्स्य पालन विभाग ने। और ये जो स्कीम है खास तौर से किन किन डैम्स पे लागू की गई है, अब जैसे मैंने बताया ट्राइबल फिशरमैन के बीच में पैसा बांटेंगे, इसका मतलब ये किन इलाकों के डैम्स की बात हो रही है जहाँ पे कौन रहते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं, और ट्राइबल लोग मैंने आपको बता रखा है राजस्थान के साउदर्न हिस्से में रहते हैं। आप लोग अगर मेरे ज्योग्राफी वाला वीडियो देख रहे हैं तो मैं उसमें कई बार ये बात बोल चुका हूँ कि जो हमारे यहाँ पे जनजातीय जनसंख्या है उसका कंसंट्रेशन दक्षिणी राजस्थान में ज़्यादा है। तो आप देखिए यहाँ पे जो बांध हैं वो दक्षिणी राजस्थान के ही हैं, एक तो उदयपुर का जैसमंद है, माही बजाज सागर, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है, कडाणा डैम बता चुका हूँ, डूंगरपुर के अंदर उसका पानी आता है पीछे की तरफ। वैसे कडाणा डैम जो है वैसे तो गुजरात के अंदर है लेकिन उस जो पानी भरता है उसकी वजह से ये लिखा हुआ है यहाँ पे बैक वाटर, पीछे जो पानी आता है बैक वाटर, ये कहाँ आता है, डूंगरपुर में। तो डूंगरपुर के आदिवासियों को इससे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये लाइवलीहुड मॉडल है, ज़ीरो रेवेन्यू मॉडल है, जो पैसे इकट्ठा किया जाएगा वो वहीं की ट्राइबल फिशरमैन के बीच में बांटा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना आपको यहाँ डैम्स के नाम कि भाई किन डैम्स पे ये लागू किया जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर और किसी काम की चीज़ नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो देखिए फिशरीज़ भी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आ रही है, केवल खेती बाड़ी नहीं आती, केवल पशुपालन नहीं आता, सभी कुछ आता है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि भाई किन किन डैम्स को हम डेवलप कर रहे हैं ताकि वहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छा मछली उत्पादन हो, तो इतना आपको दिमाग नहीं लगाना इन डैम्स के बारे में, वो जो ऊपर वाले डैम्स थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, और इसके अंदर क्या है काम की चीज़, हाँ एक काम की चीज़ ये है कि भाई हम लोगों ने एक स्कीम चला रखी है नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट, मतलब इंडिया के अंदर जो प्रोटीन सप्लीमेंट है उसको बढ़ाया जा सके। आपको पता होगा मछली एक काफ़ी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, तो हम प्रोटीन की खुराक बढ़ाना चाहते हैं लोगों में, तो उसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मात्रा में मछलियों का उत्पादन करना होगा। तो उसके लिए एक नया प्रोजेक्ट चलाया है जिसकी वजह से ज़्यादा उत्पादन हो सके, वो किस तरह का एक प्रोजेक्ट चलाया है, केज कल्चर प्रोजेक्ट। केज कल्चर प्रोजेक्ट का मतलब क्या होगा, ये भाई हम लोग बड़े बड़े केज, केज कहूँ तो पिंजरे कहूँ, ठीक है, पिंजरों को नदी में उतार देंगे और उनके अंदर मछलियों का पालन करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मछलियों को पकड़ सकें। ठीक है, इसका केवल सिंपल सा ये ऑब्जेक्ट है, केज कल्चर प्रोजेक्ट का मतलब यही है कि बड़े बड़े पिंजरों को नदी के अंदर उतारा जाए, उनके अंदर मछलियों का पालन किया जाए,
ठीक है, और वो जो पिंजरे हैं उनको एज इट इज़ उनको बाहर निकाल लिया जाए उसके बाद, या उसमें से मछलियों को बाहर निकाल लिया जाए, मछलियाँ इधर उधर ना भागे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्ट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमें हम कैच कर सके मछलियों को, ठीक है। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो चलाया जा रहा है, केज कल्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। कहाँ किस डैम पे चलाया जा रहा है, वो चलाया जा रहा है भाई माही बजाज सागर पे, फिर से माही बजाज सागर का नाम आया, और ध्यान रखना है आपको माही बजाज सागर पे केज कल्चर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है मत्स्य विभाग के द्वारा, ठीक है, जिसमें हम मछलियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं। और किस लिए करना चाहते हैं, ताकि हमें हाई प्रोटीन सप्लीमेंट मिल सके, किस मिशन के अंतर्गत, नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। इसके अलावा भाई हम और प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं, वो किस लिए चला रहे हैं, जो रंग बिरंगी मछलियाँ आती हैं जो खूबसूरती बढ़ाती हैं एक्वेरियम वगैरह की, ठीक है, उनको कहते हैं ऑर्नामेंटल फिश, ठीक है, क्या कहा जाता है उन्हें, सजावटी मछलियाँ कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है सजावटी मछलियाँ जो एक्वेरियम वगैरह के अंदर होती हैं, तो उनके लिए ब्रीडिंग यूनिट की स्थापना हम किस डैम में कर रहे हैं, वो उसकी स्थापना हम कर रहे हैं बीसलपुर डैम में, ध्यान रखना टोंक में जो पड़ता है बीसलपुर डैम, उसमें ऑर्नामेंटल फिश ब्रीडिंग यूनिट की हम स्थापना कर रहे हैं, ठीक है। तो दो ही चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थी, मैंने दोनों ही चीज़ आपको बता दी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का आप लोग, ठीक है, और इसमें कोई इम्पॉर्टेंट बात नहीं है। हाँ, एक और चीज़ जो बीसलपुर डैम पे हम लोग डेवलप कर रहे हैं, वो चीज़ है स्पोर्ट फिशरीज़। स्पोर्ट फिशरीज़ का, स्पोर्ट मतलब से लिखा हुआ है हिंदी के अंदर, स्पोर्ट फिशरीज़ का मतलब है कि भाई लोग जो शौक में मछलियों को पकड़ते हैं उसको कहते हैं स्पोर्ट फिशरीज़, मतलब शौकिया तौर पर मछलियों को पकड़ना, ठीक है, और इसके लिए सरकार उनसे पैसे भी चार्ज किया करेगी, ठीक है। तो वो कहाँ पे हम लॉन्च करने वाले हैं, वो भी हम कहाँ करेंगे, बीसलपुर डैम पे, यहाँ पे लोग टिकट लेके जाया करेंगे कुछ घंटों के लिए, और मछली मारने का वो लोग आनंद लिया करेंगे, फिर ऐसा हो सकता है कि वो मछली फिर से पकड़ के वापस छोड़ दें, मछली मारना मतलब होता है मछली पकड़ना, मछली पकड़ने को मछली मारना बोलते हैं देसी भाषा में, ठीक है, मैं मछली मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली उसको किल करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो पकड़ के फिर से छोड़ जाया करेंगे, इसको नाम दिया गया है स्पोर्ट फिशरीज़, ठीक है। तो इसके लिए दो मछलियाँ बहुत फेमस हैं, एक तो है भाई ये वाली महसीर नाम है, महसीर बहुत फेमस है इसके लिए, स्पोर्ट फिशिंग के लिए, ठीक है, और एक कैट फिश होती है जो बहुत फेमस होती है स्पोर्ट फिशरीज़ में, इसको तो हाथ से पकड़ लेते हैं कई बार लोग, ये गड्ढों वगैरह में रहती है कैट फिश, ठीक है। तो दो मछलियों को हम यहाँ ख़ास तौर से छोड़ेंगे बीसलपुर डैम में, ताकि इस चीज़ को हम डेवलप कर सकें, तो ध्यान रखिएगा बीसलपुर डैम में ऑर्नामेंटल फिश ब्रीडिंग यूनिट भी स्थापना हो रही है, सजावटी मछलियों के प्रजनन केंद्र की भी स्थापना कर रहे हैं, और साथ में स्पोर्ट फिशरीज, स्पोर्ट्स मत्स्य की भी स्थापना कर रहे हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिए, जो राजस्थान सॉरी इंडिया गवर्नमेंट जो है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जितनी इन्होंने योजना चला रखी है मत्स्य विभाग से संबंधित, या मैं कहूँ मत्स्य क्षेत्र से संबंधित, फिश प्रोडक्शन से संबंधित जितनी भी योजनाएं चला रखी हैं इंडियन गवर्नमेंट ने, उन सब को एक सिंगल स्कीम के अंतर्गत लाया जा चुका है, या मैं कहूँ एक बड़ी स्कीम बना दी, उसके अंतर्गत ये सभी छोटी छोटी योजनाएं चल रही हैं, तो उस बड़ी स्कीम का नाम क्या रख दिया इन्होंने, ब्लू रेवोल्यूशन, ध्यान रखना ये ब्लू रेवोल्यूशन 3,000 करोड़ की बहुत बड़ी योजना है, जिसके अंदर छोटी छोटी स्कीम्स चल रही हैं, ठीक है। तो इस बड़ी योजना के अंदर अंतर्गत उन सबको मर्ज किया जा चुका है, ब्लू रेवोल्यूशन मतलब होगा नीली क्रांति, ठीक है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य क्षेत्र से है, ये ध्यान रखना, वैसे आसान है, नीला रंग मत्स्य क्षेत्र से संबंधित होता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं भाई फॉरेस्ट्री की, ठीक है, वानिकी जिसे बोलते हैं, आप लोग अगर समझ नहीं पा रहे फॉरेस्ट्री वानिकी कैसे कहते हैं, तो सिंपल से आप फंडा ध्यान रखें, पेड़ उगाने को भाई फॉरेस्ट्री कहते हैं, पेड़ लगाने को फॉरेस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो आप पेड़ लगा लें, या तो आप जंगल में लगा दें, या आप खेतों की अपनी बीच की जगह होती है मेड़ जिसे बोलते हैं उस पर लगा लें, तो फॉरेस्ट्री कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेटा गिवन है, सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, फॉरेस्ट्री से संबंधित यहाँ पे कुछ डेटा गिवन है, ठीक है, और ये जो डेटा बता रहा है ध्यान से देखिएगा, 2017-19 का है, जबकि इसके बाद का एक सर्वे नया हो चुका है 2019 का, उसका डेटा इन्होंने अपने इस इकोनॉमिक रिव्यू में इंक्लूड नहीं किया। ये जो डेटा दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक का, मैं पहले पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ, इधर की बात नहीं कर रहा हूँ साइड की, ठीक है। ये जो 32737 और 9.57 ये जो डेटा दिख रहा है ना, ये पुराना डेटा है, 2017 से 19 वाला, 2019 में नया हो चुका है,
उसका डेटा आ चुका है और वही डेटा अब काम का है। ये डेटा बेकार है, बिल्कुल बेकार है, इन्होंने पता नहीं क्यों अपडेट नहीं किया। ऐसा हो सकता है पहले प्रिंट हो चुका हो, उसका डेटा थोड़ा बाद आया हो, इस वजह से पुराना डेटा ही लिख रहे हैं। लेकिन आपको ये डेटा याद नहीं रखना, ये बिल्कुल याद नहीं रखना। मैंने भले हाईलाइट किया है लेकिन मैं बोल रहा हूँ याद नहीं रखना, ये बेकार डेटा है, पुराना डेटा है, बिल्कुल याद ना रखें आप लोग। नया डेटा आ चुका है, जो आया है वो मैं आपको लिखवाऊंगा जब मैं आपको ज्योग्राफी के अंदर जो अगला लेक्चर मैं अपलोड करने वाला हूँ वो वेजिटेशन के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, वाइल्ड लाइफ के ऊपर ही है, ठीक है। तो उसके अंदर ये सारी डेटा कवर कर दूंगा मैं, ठीक है। इस डेटा का बिल्कुल याद ना रखें, इकोनॉमिक रिव्यू में से इस डेटा को उड़ा दें या इस पैराग्राफ को काट दें। मैं पहले ही कह रहा हूँ आप लोगों को, इस डेटा को बिल्कुल याद ना रखें, ये डेटा काम नहीं आएगा, ये पुराना डेटा है, ठीक है। अब जो फॉरेस्ट्री के अंदर ख़ास तौर से हमें जो बात ध्यान रखनी है वो ध्यान ही रखनी है। देखिए इसमें कुछ भी काम की बात नहीं है, काम की बात केवल इतनी सी है कि भाई राजस्थान के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं, तो भाई 3 हैं, ठीक है। नेशनल पार्क आप समझते हैं जहाँ पे भाई हम लोग वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करते हैं, बाउंड्रीज वगैरह बना देते हैं, ठीक है। ख़ासतौर से टाइगर कंजर्वेशन नेशनल पार्क्स में ही होता है, ठीक है। तो 3 नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से हैं वो मैं जो अभी लेक्चर बनाऊंगा ज्योग्राफी का उसमें बता दूंगा, वैसे आपको बता देता हूँ। चलिए फिर भी, रणथंभौर है, भरतपुर का घाना है, घाना नेशनल पार्क है, बर्ड सेंचुरी जो है उसको नेशनल पार्क ही है दरअसल वो, और मुकुंदरा, ठीक है। ये हमारे यहाँ 3 नेशनल पार्क हैं, और हमारी जो केंद्रीय सरकार है वो राजस्थान में 5 नेशनल पार्क मानती है। वो कैसे मानती है, क्यों मानती है, वो सब बातें मैं बाद में करूँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मुझसे इंटरव्यू में भी पूछ लेता है कि राजस्थान में कितने नेशनल पार्क हैं, ठीक है। तो मैंने उन्हें ये बोला कि भाई राजस्थान में 3 भी हैं 5 भी हैं, तो कंफ्यूज हो गए कि भाई कैसे 3 भी हैं 5 भी हैं। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा भाई 3 तो स्टेट गवर्नमेंट मानती है, 5 केंद्रीय सरकार मानती है, फिर उनके नाम बताया मैंने उन्हें, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कई बार वो इंटरव्यू के अंदर। इसके अलावा देखिए 27 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं राजस्थान के अंदर, पहले 26 हुआ करती थी, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भाई 27 हो चुकी हैं अब, ठीक है। 27 कौन कौन सी हैं वो सब मैं बताऊँगा आपको। 14 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है। 14 संरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है। 27 जो बताया वन्यजीव अभयारण्य है, 3 नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है, और 3 बायोलॉजिकल पार्क हैं, ठीक है, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर, ठीक है। जोधपुर वाला तो मैंने नहीं घूमा, लेकिन जयपुर उदयपुर वाला घूम रखा है और कोटा में बन रहा है, ठीक है। तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। जब भी बढ़ेगी तो वो आपको करंट में याद हो जाएगा, जब भी वो होगा ऐसा काम, ठीक है। तो ये कहानी है, केवल हमें फॉरेस्ट्री में इतना ही पढ़ना है। फॉरेस्ट्री में जो फॉरेस्ट कवर वगैरह की बात होती है, फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट एरिया की जो बात होती है वो इम्पॉर्टेंट है खासतौर से, जो इस पैराग्राफ में आनी थी, और वहीं से क्वेश्चन आता है हमेशा, जो कि इसमें नहीं है, इसमें पुराना डेटा है, इसलिए आपको बिल्कुल याद नहीं रखना, इसे भूल जाइए, ठीक है। बाकी जो बाकी की चीज़ें हैं वो ज्योग्राफी के अंदर कवर होती हैं, ठीक है। तो वहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है, इस वाले सेक्शन को आप छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। अब एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, पर्यावरण विभाग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो है ये दरअसल किसके माध्यम से कार्य करता है, देखिए एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने काम करने के लिए एक बोर्ड बना रखा है, राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसके माध्यम से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको अप्लाई करता है, ठीक है। तो इसकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इसके अंतर्गत एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के अंदर वो कौन सी है, राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये ध्यान रखना, देखिए पोल्यूशन से संबंधित बात है, इसका मतलब हम किससे बात कर, किसकी बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा आप लोगों को। और ये अलग अलग तरीके से कंट्रोल करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल वगैरह पे, वो सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन आपको याद नहीं रखनी, सब कुछ बेकार है, ठीक है। ये करता क्या है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, खास तौर से कौन कौन सी स्कीम्स ऑपरेट करता है या क्या काम करता है, तो ध्यान रखिए भाई ये कोशिश करता है कि जो कोर्ट ऑर्डर्स निकले हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए ज़रा सा, जो कोर्ट ऑर्डर्स निकले हैं एनवायरनमेंट से संबंधित, ठीक है, उनको फॉलो करवाए, कंप्लायंस का मतलब होता है उनको फॉलो करवाना, ठीक है, पालना करवाना, उनकी जो विभिन्न आदेश वगैरह निकलते हैं कोर्ट से, ठीक है, उनकी पालना करवाना ताकि एनवायरनमेंट को बचाया जा सके, ठीक है। पहला काम तो इसका ये है। दूसरा काम जो इसका है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का वो है अवेयरनेस फैलाना। अवेयरनेस फैलाने को कहते हैं भाई हिंदी के अंदर जागरूकता फैलाना, ताकि लोग जागरूक हो सकें एनवायरनमेंट के प्रति और उसे प्रदूषित करने से बचें, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग डेट्स दे रखी हैं भाई, कौन से दिन अर्थ डे होता है, प्रोटेक्शन डे होता है, आप लोगों का मन है याद रखना है तो रखिए, बाकी बिल्कुल बेकार है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। छोटे छोटे एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना उनमें पूछता है, बड़े एग्ज़ाम्स में कभी नहीं पूछता इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। नहीं याद हो, मेरे को आज तक कोई डेट नहीं है पता कि कौन सी दिन क्या होता है, ठीक
है, मुझे तो बस केवल ये पता है कि गांधी जयंती किस दिन मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, चिल्ड्रंस डे कब होता है क्योंकि बचपन में वो मनाया करते थे, देखा करते थे, 14 नवंबर को होता है। ठीक है, ना मेरे को वर्ल्ड लेबर डे पता है, ना मदर्स डे पता है, ना फादर्स डे पता है मेरे को, भाई कुछ भी नहीं पता। और ना मैंने कभी ज़िंदगी में याद किया, क्योंकि ये याद करना ज़रूरी नहीं है आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट ना किया करें। ठीक है, हाँ ऐसे आप डेज़ याद रख के चले जाएं जो कि आपके एग्ज़ाम के आसपास आ सकते हैं, या कुछ दिन पहले निकले हों, 10-15 दिन पहले निकले हों अगर, और मान लीजिए जैसे एनवायरनमेंट आपका टॉपिक दे रखा है, एनवायरनमेंट से संबंधित वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब आता है, ऐसे अगर कोई डे है आपके एग्ज़ाम डेट के आसपास तो वो याद रख के चले जाएं। या अगर उस दिन हमने कोई योजना लॉन्च की है, या मतलब कोई ऐसी चीज़ हुई है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है, जैसे भाई हमारे यहाँ वर्ल्ड योगा डे हुआ था और वर्ल्ड योगा डे बना जाए, योग भाई है इंडिया की देन, अब वो बन गया वर्ल्ड योगा डे, तो अपने आप में वो हमारी कहीं ना कहीं कहूँ मैं इंपॉर्टेंस दर्शाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इसलिए वर्ल्ड योगा डे आप याद करके जाओ, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर उसमें भी क्या होता है कि राष्ट्रीय स्तर पे वो इस बार कहाँ मनाया जाएगा, ऐसा भी होता है योगा डे का। तो ठीक है, तो ऐसी चीज़ आप याद रख के चले जाएं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डे, वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड ओजोन लेयर कंजर्वेशन डे, ये सब बेकार है, आपको याद नहीं रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम के नहीं है। इसके अलावा ये क्या काम करता है भाई, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, ये क्या कर रहा है भाई, संचार और प्रसार कर रहा है कि भाई आप किस तरीके से एनवायरनमेंट को बचाएं। ठीक है, इन तरह की बातें करता है और कुछ नहीं करता। फिर से देखिए, इसने वही वाली चीज़ें दोबारा लिख दी, वर्ल्ड अर्थ डे लिख दिया, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डे, वर्ल्ड ओजोन लेयर कंजर्वेशन, एक एक चीज़ को बार बार रिपीट कर देते हैं, इनको भी ज़रा सी भी शर्म नहीं आती, बड़ा कर देते हैं डॉक्यूमेंट को। ठीक है, जबकि बेकार है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये आपसे पूछने वाले भी नहीं है चीज़, बस आप ध्यान रख लेना क्या काम करता है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो है वो इस तरह के कुछ काम करता है, और इसमें कोई डेटा वगैरह है नहीं तो काम की बात हो। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल व्यर्थ है ये। हाँ, अब ध्यान से देखिए एक चीज़ जो है, राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। देखिए, राजस्थान के अंदर जो हमने बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बना रखा है वो किस एक्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार बनाया है, तो बनाया है भाई हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, या ऐसे कहो बायोडाइवर्सिटी एक्ट ही कह लो। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम 2002, ये इंडिया गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है, उसी के अंदर प्रावधान हैं बहुत सारे, उन्हीं प्रावधानों को फॉलो करते हुए उनमें से एक जो सेक्शन है 63(1), 63(1) कहता है कि भाई प्रत्येक राज्य को प्रयास करना चाहिए कि अपने यहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की स्थापना करे। ठीक है, तो जब वो प्रयास करे तो राजस्थान गवर्नमेंट ने उसके 8 साल बाद प्रयास किया, और उसके अंतर्गत राजस्थान बायोडाइवर्सिटी रूल्स की भी स्थापना की है। ठीक है, 2010 के अंदर ये स्थापना हुई है। ठीक है, कब स्थापना हुई है इन रूल्स की, राजस्थान जैविक विविधता नियमों की स्थापना कब हुई है, 2010 में। क्योंकि देखिए, जब तक रूल्स नहीं बनते तब तक कोई एक्ट बेकार होता है। ठीक है, तब तक उसके ऊपर कुछ काम नहीं हो सकता। आज हम बहुत ज़्यादा चर्चा सुनते हैं CAA की, जो 2019 में हुआ था। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का है कहने को तो, लेकिन अभी तक वो लागू ही नहीं हो पाया क्योंकि उसके रूल्स ही नहीं बने। आप समझिए, कोई भी एक्ट होता है तब तक वो बेकार है, मैं कहूँ तब तक उसका कोई यूज़ नहीं है जब तक कि उसके ऊपर रूल्स नहीं बनते। तो रूल्स जब बनेंगे तभी वास्तविकता में वो एक्ट लागू हो पाता है। तो हमारी देखिए, गवर्नमेंट ने कब इसके रूल्स बनाए, 2010 में। तो वास्तविकता में जो राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड वगैरह है, इन्होंने ढंग से काम करना कब शुरू किया, 2010 के बाद से। ठीक है, तो बस आपको ध्यान रखना, राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है हमारे यहाँ पे, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 इंडियन गवर्नमेंट का है, उसके अंतर्गत हमने रूल्स कब बनाए थे, 2010 में बनाए थे। बस ये ध्यान रख लेना, और कुछ नहीं करना है इसमें, इतना ही क्वेश्चन आता है इसमें से, और कुछ नहीं आता। ठीक है, ध्यान रखना, पर्यावरण संरक्षण के लिए हम किस महान व्यक्ति के नाम के ऊपर सम्मान देते हैं, भाई राजीव गांधी जी के नाम से हम सम्मान देते हैं पर्यावरण एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, अभी क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट, इसलिए राजीव गांधी नाम चल रहा है, अगर बीजेपी गवर्नमेंट हो जाएगी तो फिर वो अपने नेता का नाम रख देंगे, ये चलता रहता है। ठीक है, राजस्थान के अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं, राजस्थान के पूरे इंडिया में ये चलता रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हो सकता है अगली बार जब इकोनॉमिक सर्वे आए, अगली बार को तो नहीं, उसके अगली बार का जब इकोनॉमिक सर्वे आए तो ये नाम आपको चेंज मिल जाए, हो सकता है अगर बीजेपी गवर्नमेंट आ जाए तो। ठीक है, तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। हमने वहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे वो केवल दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित थी। मैंने आपको बताया था किसी भी क्षेत्र में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की स्थापना की जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने बैंक्स बना रखे हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ध्यान रखना
कितने कोऑपरेटिव बैंक्स हैं राजस्थान में? 29 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। बस आपको रटना है डेटा, यहाँ आपको दिमाग नहीं लगाना कुछ भी, ठीक है? 29 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये मैं बता चुका था। 21 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिल्क यूनियंस हैं आपकी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 21 तो इसलिए दोबारा इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है। और 37 कंज्यूमर होलसेल स्टोर्स हैं। आप जाइएगा डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह के अंदर, जो डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या होता है उपभोक्ता उपभोक्ता स्टोर करके आपको मिल जाते हैं, जनरल स्टोर मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको घर से संबंधित चीज़ें तेल साबुन वगैरह इजीली थोड़े सस्ते दामों में मिल जाता है। तो ये कितने हैं ऑल ओवर राजस्थान में? 37 हैं ऐसे स्टोर्स, ठीक है? उपभोक्ता के जो स्टोर्स कहलाते हैं वो उपभोक्ता सहकारी स्टोर कैसे करके कुछ नाम होता है, मेरे को एग्जैक्टली पूरा नाम नहीं पता, अभी नीचे आ जाएगा उनका नाम, ठीक है? तो 37 स्टोर्स हैं टोटल राजस्थान के अंदर। और ये भी काम के नहीं, क्योंकि ये नहीं पूछने वाला आपसे, मेन पूछेगा जो पूछेगा 36 प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं, ठीक है? अगर किसान भाई को लंबे समय के लिए लोन लेना है, अगर लंबे समय का जो दीर्घकालिक लोन होता है वो कोऑपरेटिव बैंक्स जो देती हैं, तो वो देती हैं प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, तो वो कितनी हैं राजस्थान में? वो 36 हैं, 33 नहीं है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स के बराबर नहीं है, ठीक है? वो कितनी हैं? 36 हैं, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, इनका मेन काम क्या है? लॉन्ग टर्म के लोन्स देती हैं एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है? इसके अलावा 6,687 ये प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जो छोटी छोटी सब डिवीज़न कर देते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के, और छोटे छोटे इलाकों में जो कोऑपरेटिव बैंक्स छोटे छोटे खोल देते हैं, जिनसे डायरेक्टली जाके किसान लोन लेता है, उनको कहते हैं पैक्स, PACS पैक्स कहलाते हैं वो, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। अब मैंने आपको बताया एक डिस्ट्रिक्ट को भी काफ़ी सारे हिस्सों में तोड़ देंगे, इस वजह से इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, यह है 6,687। तो आपको ये ध्यान रखने, 6,687 हमारे यहाँ पे पैक्स हैं, 36 हमारे यहाँ पे प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जबकि 29 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स 29 है, ठीक है? 36 हमारे यहाँ PLDB हैं और 6,687 पैक्स हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है? इसके अलावा जो ओवरऑल में कोऑपरेटिव्स की बात करूँ, जिसमें बैंक्स वगैरह सब कुछ आ जाता है, बैंक्स आ गया, मिल्क यूनियन वगैरह सब कुछ आ गया, ठीक है? तो टोटल हमारे यहाँ पे फेडरेशंस जो हैं बनी हुई हैं, अलग अलग फेडरेशंस, वो 23 फेडरेशंस बनी हुई, 23 फेडरेशंस, और वो कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऑपरेट कर रही हैं? 36,122, जिसके अंदर अभी आपने देखा था मिल्क यूनियन, तकरीबन 15,000 से ऊपर तो मिल्क यूनियन ही है इसके अंदर, मिल्क से संबंधित जो सोसाइटीज़ हैं छोटी, 15,000 तो वही हैं, ठीक है? तो वो सारी इसके अंतर्गत, जैसे टोटल की बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, तो 36,122 है ऑल ओवर राजस्थान में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, केवल आपको यहाँ पे जो बैंक वाला पोर्शन है, खासतौर से कृषि से संबंधित बैंकिंग का पोर्शन है कोऑपरेटिव में, वो ध्यान रखना है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है? देखिए यहाँ पे दे रखा है, बता रखा है, लोन्स भी जो होते हैं लॉन्ग टर्म के और शॉर्ट टर्म के होते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन की बात कर रहा है ये, ठीक है? और यहाँ पे राज्य सरकार ने क्या किया है, लेकिन पुरानी बात है तो हम लोग इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। यहाँ पे दरअसल जो ये कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो छोटे लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म के लोन होते हैं एग्रीकल्चर लोन, जो एक साल के लिए आते हैं, अगर कोई किसान भाई उनको टाइम पे चुका देता है उन लोन्स को, तो उनका ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा, कुछ इस तरह की स्कीम है यहाँ पे, ठीक है? 0% इंटरेस्ट रेट का मतलब ये होता है कि उसका ब्याज जो है माफ़ कर दिया जाएगा, अगर टाइम पे नहीं चुका रहा तो उसको ब्याज देना पड़ेगा, इस तरह की बात है कुछ, ठीक है? हाँ, अब यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी बहस हुई थी जब राजस्थान गवर्नमेंट नई फॉर्म हुई थी 2018 के अंदर, क्योंकि देखिए उस समय की ये घोषणा करके आई थी कांग्रेस गवर्नमेंट के भाई हम जैसे आएंगे वैसे ही किसानों के लोन माफ़ कर देंगे, ठीक है? किसानों के लोन माफ़ कर देंगे, ऋण माफ़ी योजना हम लेके आएंगे, ठीक है? तो इन्होंने 2019 में निकाली ये स्कीम, ठीक है? अब ये योजना कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल रही, क्योंकि देखिए कई लोगों ने ये क्लेम किया कि भाई हमारे को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन आप समझ सकते हैं कोई भी गवर्नमेंट हो वो योजना जब निकालती है तो वो इसी बात को ध्यान में रख के निकालती है कि भाई इससे जो छोटे किसान हैं खासतौर से उनको ज़्यादा फ़ायदा हो, ना कि बड़े किसानों को ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि देखिए बड़े किसान तो अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन छोटा किसान अफोर्ड नहीं कर पाता। तो देखिए इस स्कीम में जो जिन्होंने छोटे लोन लिए थे या जो छोटे किसान हैं उन्हीं को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, उन्हीं के ज़्यादा लोन्स माफ़ हुए हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखिए ये दो तरीके से लॉन्च की गई थी, एक तो था देखिए इसमें सभी लोग थे, चाहे वो बड़े किसान हो चाहे छोटे किसान हो, अगर उन्होंने शॉर्ट टर्म का क्रॉप लोन लिया था
अल्प अवधि का अगर उन्होंने ऋण लिया था, अल्प अवधि या इसे लघु अवधि कहते हैं, लघु अवधि का इन्होंने अगर ऋण लिया था, ठीक है, तो उन सब का 30 नवंबर 2018 तक का जो उनका लोन था, बहुत मामूली सा, शायद 50,000 रुपये तक का ही लोन माफ़ किया था, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, इसमें लिखा हुआ नहीं है कितने रुपए तक का माफ़ किया था इन्होंने, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट थी जो इन्होंने माफ़ किया था, उससे ऊपर का अगर लोन ले रखा है किसी किसान ने तो उसे चुकाना है, ठीक है, लेकिन 50,000 रुपये तक का लोन तो शायद इन्होंने माफ़ कर दिया था जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। तो 30 नवंबर 2018 के पहले पहले जो उन्होंने अगर लोन ले रखा है 50,000 रुपये तक का, और वो कैसा लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, तो शॉर्ट टर्म लोन सभी किसानों का, चाहे वो छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो, ठीक है, मैंने आपको बता रखा है इसी लेक्चर में पहले ही, फर्स्ट लेक्चर, इस लेक्चर का जो मेरा पहला पार्ट था उसमें बता रखा है, किसान कई प्रकार के होते हैं, छोटे होते हैं, मध्यम होते हैं, बड़े होते हैं, 4-5 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, तो सभी किसानों का इन्होंने लोन माफ़ कर दिया था, और कितने किसानों को इससे फ़ायदा पहुँचा था, तकरीबन 20-25 लाख किसानों को, 20.58 लाख किसानों का इन्होंने लोन माफ़ किया था, और वो लोन कैसा था, शॉर्ट टर्म लोन था। ध्यान रखना, इस योजना के अंतर्गत राजस्थान कृषक ऋण माफ़ी योजना जो थी, इसे राजस्थान फार्मर लोन वेवर स्कीम कहेंगे एक्चुअली, ठीक है, लेकिन उन्होंने कृषक यूज़ किया है जानबूझ के, मैं बताऊंगा क्यों यूज़ किया है इन्होंने कृषक वर्ड का, इंग्लिश के अंदर भी इन्होंने कृषक वर्ड यूज़ किया है, अभी नीचे उतरेंगे तो पता लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये तो शॉर्ट टर्म लोन की बात हो गई, अब बात करते हैं हम लोग और कौन से प्रकार का लोन होता है, तो भाई देखिए, और जो प्रकार का लोन होता है वो ये वाला होता है, मिडिल टर्म या लॉन्ग टर्म, मध्यम अवधि का ऋण होता है या लंबी अवधि का, दीर्घ अवधि का ऋण होता है। अब आप समझ सकते हैं कि लोन भाई देखो बड़ा है, बड़े लोन का मतलब ये है कि इसको माफ़ करके जो फ़ायदा पहुंचाया जाएगा वो बड़े किसानों को तो नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है, अगर बड़े किसानों का भी हमने इतने बड़े बड़े लोन अगर माफ़ कर देंगे जो लंबी अवधि के होंगे, तो राजस्थान गवर्नमेंट तो डूब जाएगी पूरी तरीके से, क्योंकि वो लोन ही चुकाती रह जाएगी किसानों के, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो फ़ायदा पहुँचाना है, गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुँचाना है ख़ासतौर से, वो कैसे किसानों को पहुँचाना था, जो कि लघु किसान थे या जो सीमांत किसान थे, मैंने आपको बता रखा है जिनकी ज़मीन 1 हेक्टेयर से कम है वो सीमांत कहलाते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक, शायद 2 हेक्टेयर तक है, 1 से 2 हेक्टेयर तक, वो लघु किसान कहलाते हैं। आप देख लेना, ऊपर मैंने बता रखा है, ऊपर लेक्चर में निकल चुका है, लेक्चर जो मेरा पहला था इसी चैप्टर का, उसमें निकल चुका है, आप देख लेना उनकी डेफिनेशन क्या है। तो ध्यान रखना, जो मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म के, ठीक है, जो लोन माफ़ किए गए थे वो किसके माफ़ किए गए थे, केवल छोटे किसानों के, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के, लेकिन उनके भी कितने रुपए तक के किए गए थे, 2 लाख रुपए तक के, किस तारीख तक ड्यू थे, अगर 30 नवंबर 2018 के पहले पहले के 2 लाख रुपए तक के लोन थे तो माफ़ कर दिए गए थे, 2 लाख रुपए से अगर ऊपर इन लोगों ने लोन ले रखा था, किन्होंने, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ने, तो भाई उनको चुकाना है, ठीक है, वो कहीं नहीं जा रहा। और ये भी देखिए, जो ये वाला हम लोन माफ़ कर रहे हैं, ये भी देखिए सेम योजना के अंतर्गत काम हो रहा है, राजस्थान कृषक लोन वेवर स्कीम, या मैं कहूँ राजस्थान कृषक ऋण माफ़ी योजना 2019 के अंतर्गत हो रहा है, मतलब इस योजना के अंतर्गत हमने जितने प्रकार के लोन होते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो, मिडिल टर्म का हो, लॉन्ग टर्म का हो, सबको हमने कवर किया। शॉर्ट टर्म लोन जो थे 50,000 रुपये तक के, वो सबके माफ़ कर दिए, लेकिन मिडिल और लॉन्ग टर्म वाले जो लोन थे वो केवल हमने छोटे किसानों के माफ़ किए, वो भी कितने रुपए तक, 2 लाख रुपए तक, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए, एक ऐसी सेम स्कीम थी 2018 में लॉन्च की हुई, ठीक है, ये वसुंधरा मैडम लॉन्च करके गई थी, लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ ही फ़ायदा इससे नहीं हुआ, इस वजह से इसका नाम चेंज करके कृषक कर दिया, यहाँ पे क्रॉप की जगह पे क्या कर दिया, कृषक कर दिया, बस यहाँ पे जो क्रॉप वर्ड दिख रहा है ना आपको, एक क्रॉप, क्रॉप को हटा के कर दिया यहाँ पे, कृषक कर दिया इन्होंने, ठीक है। और स्कीम तकरीबन तकरीबन सेम है, लेकिन फ़ायदा उससे ज़्यादा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट को ज़्यादा काम करने का वक्त मिला है, ठीक है। ये 2018 की याद नहीं रखनी आपको, 2019 वाली याद रखनी, क्योंकि वो आएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। अब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम वगैरह ये आप लोगों को काम की नहीं है, इसको आप याद ना रखें, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और क्या काम का है देख लेते हैं। हाँ, एक देखिए, एक ये चीज़ है किसान सेवा पोर्टल, ये क्या करता है भाई, किसानों से संबंधित जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं कि भाई क्या क्या योजनाएं किसानों के लिए चल रही हैं, उनकी अगर बात हो, या उनको कहीं पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना हो किसी चीज़ में, कोई ट्रेनिंग वगैरह के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना हो, कोई नई टेक्निक वगैरह सीखनी हो, तो वो क्या कर सकते हैं किसान भाई, राजस्थान गवर्नमेंट के किसान सेवा पोर्टल पे जाके लॉगिन कर सकते हैं, और वहाँ से सभी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो किसान सेवा पोर्टल का काम क्या है भैया, सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ जो खेती बाड़ी से संबंधित होती हैं,
ठीक है, और जो स्कीम्स फार्मर्स के लिए चल रही हैं उनकी जानकारी देता है एक ही प्लेटफॉर्म से, सिंगल प्लेटफॉर्म से। तो ध्यान रखना उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, किसान सेवा पोर्टल। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ काम का है क्या। मेरे ख्याल से कुछ काम का नहीं आएगा। एक भाई ज्ञान सागर क्रेडिट स्कीम है, ये कुछ नहीं, अगर आपको इंडिया में या बाहर जाके कहीं पढ़ाई करनी है तो एजुकेशन लोन है और कुछ नहीं, आप पढ़ लेना ऐसे चाहो तो, इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। बाकी देखिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, आपके काम नहीं, आपके काम की नहीं है बिल्कुल, इन्हें छोड़ देना। आप लोग परेशान होगे अगर इन सब चीज़ों को पढ़ने बैठोगे, ये किसी काम की नहीं होती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें छोड़ने की होती हैं, मैं इसी पर्पज़ से आप लोगों को ये कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना हो सकती है ज़्यादा, तो हम लोग वही करेंगे। सब चीज़ें पढ़ना सही नहीं है, आप लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। इतना सारा डेटा है इस डॉक्यूमेंट के अंदर कि इंसान जब पहली बार खोलता है तो वो यही सोचता है कि भाई ये कैसे पढ़ूंगा, उसको साइड में पटक देता है। लेकिन मुझे लगता है मैं तकरीबन 80 पन्ने कवर कर चुका हूँ, आप ऊपर देखिए यहाँ पे तकरीबन 300 में से 80 पन्ने कवर कर चुका हूँ, और डेटा मैंने बहुत कम बताया है, मुश्किल से 8 से 10 पन्ने मैंने अभी तक कवर कराए हैं आपको कुल, अगर आगे पीछे आप देखें तो, उससे ज़्यादा मैंने पन्ने ही नहीं करवाए अभी तक तो कवर आपको। ठीक है, उन्हें एक्सप्लेन करने में बस टाइम थोड़ा निकल जाता है। अब देखिए बात करते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ऐसे ऐसे बैंक्स जो अर्बन क्षेत्रों में हैं, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्रों में हैं। तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में कुल 33 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में कोऑपरेटिव बैंक्स कितने हैं राजस्थान में, 33 हैं। ठीक है, जिनमें से 6 जो हैं, इन 33 में से 6 जो हैं वो महिलाओं के लिए हैं, महिलाओं के नाम से चलते हैं, महिला सहकारी बैंक नाम से चलते हैं। ठीक है, यही 33 में से 6 कैसे हैं जो महिलाओं के नाम से चलते हैं, महिला सहकारी बैंक के नाम से चलते हैं। ठीक है, 33 हैं और उनमें से 6 महिलाओं के लिए हैं, ध्यान रखना आप ये बात। और देखिए और क्या है यहाँ पे काम का, और कुछ काम का नहीं है, चैप्टर समाप्त हो चुका है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप चाहो तो इसके छोटी छोटी चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ उन्हें एक बार रीडिंग लगा लेना, अगर आपको लगता है उसमें से आपको खुद कुछ कि भाई मुझे इसमें से ये चीज़ अंडरलाइन कर लेनी है तो आप अंडरलाइन कर लीजिए। बाकी देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है इस डॉक्यूमेंट को, और इसमें से केवल वही चीज़ें जो मुझे लग रहा है कि पूछ सकता है मैं उन्हें करा रहा हूँ। अब देखिए टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास, इसलिए मेरी तो आपको यही सलाह होगी कि जो मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ केवल वही पढ़ जाएं आप, वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, बाहर ये लोग जाते भी नहीं है जनरली, इनके क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी तकरीबन तकरीबन एक जैसा होता है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, और इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें मैं आपको कवर करा रहा हूँ जो जो कि करंट वाइज भी हो सकती हैं या जो एग्ज़ाम वाइज इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। हम लोग सेकंड चैप्टर समाप्त कर चुके हैं, 2 चैप्टर में समाप्त कर चुका हूँ तकरीबन, मुझे लगे 1.5 1.5 3 और 1 घंटा और 4 घंटे में मैं 2 चैप्टर समाप्त कर चुका हूँ। और क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पे टाइम ज़्यादा लिया है आप लोगों का, क्योंकि इसलिए लिया है क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है साथ ही साथ, इसलिए मैंने आप लोगों का समय ज़्यादा लिया है। लेकिन अगर आपने एक बार इसे समझ लिया और आपने इसको अंडरलाइन कर लिया एक बार, तो शायद अगली बार जब आप लोग इसको लेके बैठेंगे तो केवल आप हाईलाइटेड चीज़ों को ही देखेंगे, आप दोबारा से मेरे वीडियोस देखने नहीं बैठेंगे, तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। मैं इनफैक्ट इतना कह सकता हूँ, आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि आपने एक बार मेरे पूरे वीडियोस देख लिए, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे के अंदर आप पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे ख़त्म कर पाएंगे अगर आप इसको कंटिन्यूअसली रिवाइज़ करते रहें तो, और इतना ही चाहिए होता है इकोनॉमिक सर्वे, इससे ज़्यादा इकोनॉमिक सर्वे की आवश्यकता होती ही नहीं है। जब आपकी आंखों के सामने से वो 8 10 बार निकल चुका होगा, और भले ही आपको डेटा याद नहीं होता, आपको देखिए डेटा बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको डेटा बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आपकी आंखों के सामने से 8 या 10 बार वो डेटा निकल चुके होंगे, तो जब एग्ज़ाम में वो डेटा आपकी आंखों के सामने आएगा, 4 ऑप्शंस आएंगे, तो आपको अपने आप क्लिक होगा, आप अपने आप वो डेटा मार्क कर देंगे। ठीक है, मैं भी रट के नहीं गया था इन डेटाज़ को, मेरे को भी बहुत सारे डेटाज़ रटे हुए नहीं जाते थे मुझसे, ठीक है, तो मैंने भी नहीं रटे थे, तो आप भी परेशान ना हो, केवल उनको अपनी आंखों के सामने से गुजारते रहें लगातार, मतलब वो चलते रहने चाहिए रिवीजन उनका। ठीक है, भले आपको याद नहीं हो रहा कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बाय हार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, अगर आपकी आंखों के सामने से कंटिन्यूसली निकल रहे हैं, आप इसका हर हफ्ते या हर 2 3 दिन में आप रिवीजन मार रहे हैं, तो आपको इतना अच्छी तरीके से याद हो जाएगा कि जब एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा आपको हाथों हाथ वो क्लिक करेगा और आप उसको मार्क कर देंगे। यही तरीका होता है करंट अफेयर्स पढ़ने का। ठीक है, ध्यान रखिएगा करंट अफेयर्स हो या इकोनॉमिक रिव्यू हो, यही तरीका अपनाना है आपको, आपको हर चीज़ बाय हार्ट नहीं करनी,
और जब आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ा करें तो थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करें, और आप हर चीज़ उसके अंदर ना पढ़ा करें। जो 60 पन्ने की बुकलेट आती है 1 महीने की, उसमें से काम के मुश्किल से 2 या 3 पन्ने होते हैं, ठीक है? तो उन 2 3 पन्नों को ही ढूंढें कुल मिला के, और उनको ही मार्क करके रख लें कि मुझे अगली बार इन्हीं को पढ़ना है, ठीक है? ताकि वो बुकलेट की आपकी अगली बार की मेहनत बच जाए, ठीक है? तो आप ये काम करें, इस तरीके से आप लोग करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक रिव्यू को पढ़ें, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तो अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं हम लोग अगली लेक्चर में। नाम है इस चैप्टर का, देख लीजिए आप लोग, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ठीक है? ये ग्रामीण विकास की बात कर रहा है, पंचायती राज की बात कर रहा है, ठीक है? तो हमें इसकी बात करनी है, इसमें क्या क्या योजनाएं वगैरह चल रही हैं उनकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।